15 अगस्त 1947 को हमारा देश ब्रिटिशों की गुलामी से आज़ाद हो गया था। हमें आज़ाद हुए 77 साल हो गए हैं, लेकिन क्या हम सच में आज़ाद हो गए? हमारा देश जिसे भारत माँ के नाम से सम्मानित किया जाता है, उसी भारत माँ की बेटियों के साथ आज हर 15 मिनट में एक बलात्कार होता है। सोचने की बात है कि क्या हम सच में आज़ाद हो गए। 1992 अजमेर रेप केस, 2002 बिल्किस बानो केस, 2004 अक्षता रेप केस, 2012 दिल्ली गैंगरेप, 2013 मुंबई गैंगरेप, 2018 आसिफा रेप केस, 2020 हाथरस रेप केस और 2024 आर्जिकर मेडिकल कॉलेज रेप केस। ये तो सिर्फ वो केसेस हैं जो हमारे सामने आ गए। ऐसे कितने लाखों केसेस हैं जो हमें पता ही नहीं चलते, और इसी तरह ये केसेस का नंबर बढ़ता ही जाता है। पनिशमेंट, लॉ, गवर्नमेंट, पुलिस, इन सब की बहुत बात हो गई, पर आज हम बात करेंगे कि आखिर एक क्रिमिनल, आखिर एक रेपिस्ट इस तरीके के क्राइम करने से पहले सोचता क्या है। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। ये चीज देखी जाए, अगर कोई शरीफ लड़की होती है, रात को 9 बजे मतलब नहीं घूमती है, लड़के भी उतना उससे ज्यादा जिम्मेदार है रेप के लिए, ये लड़के हैं उससे ज्यादा। आखिर उनका दिमाग, उनका जो ब्रेन है, वो किस तरीके से फंक्शन करता है? क्या इनका ब्रेन भी नॉर्मल तरीके से फंक्शन करता है या कुछ डिफरेंसेस होते हैं? तो आज इसे समझते हैं। तो हम समझेंगे फंक्शन ऑफ अ ब्रेन। हमारा ब्रेन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। लेफ्ट हेमिस्फीयर लॉजिकल साइड, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, अर्थमेटिक्स, इन सभी चीज़ों को हैंडल किया जाता है, और राइट हेमिस्फीयर क्रिएटिव साइड होता है, जहाँ पर हम अपनी क्रिएटिविटी को हैंडल करते हैं, जैसे कि स्पेशल एबिलिटी, आर्टिस्टिक चीज़ें, म्यूजिक वगैरह, ये सब हमारा राइट हेमिस्फीयर हैंडल करता है। इसके बाद में हमारा जो ब्रेन होता है वो डिफरेंट डिफरेंट लोब्स में डिवाइडेड होता है, और हर लोब का अपना अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। जैसे कि सबसे पहला जो आता है वो होता है फ्रंटल लोब, जो सबसे फ्रंट में होता है और सबसे लार्जेस्ट लोब होता है। फ्रंटल लोब 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो रेगुलेट करेगा आपके इमोशंस और इंटेलेक्चुअल प्रोसेसेस को, एग्रेशन, डिसीजन मेकिंग और जजमेंट भी यही पार्ट आपका हैंडल करता है। दूसरा होता है मोटर कॉर्टेक्स। मोटर कॉर्टेक्स जो होता है वो कंट्रोल करता है आपके बॉडी के मूवमेंट को। तीसरा होता है ब्रोकास एरिया, जो मोटर स्पीच एरिया होता है, जो कि आपका स्पीच प्रोडक्शन को हैंडल करता है। फ्रंटल लोब के बाद आता है पैराइटल लोब। पैराइटल लोब भी आपका 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। सबसे पहला पार्ट होता है पोस्ट सेंट्रल साइरस, जो कि आपके सेंसेस को कंट्रोल करता है। दूसरा सुपीरियर लोब्यूल, जो कि स्पेशल रीजनिंग एबिलिटी को हैंडल करता है। और तीसरा है इन्फीरियर पैराइटल लोब्यूल, जो कि लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग में आपका हेल्प कर रहा है। फिर आता है आपका टेम्पोरल लोब, जो कि ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन, विजुअल्स, मेमोरी, इन सब को हैंडल करता है। टेम्पोरल लोब का एक पार्ट होता है हिप्पोकैम्पस, जो कि मेमोरी लर्निंग में पार्ट लेता है। टेम्पोरल लोब के बाद आता है ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल लोब आपका मेन आइडेंटिफिकेशन ऑफ कलर्स के लिए रहता है। बेसिकली इसका विजुअल्स में यूज होता है, तो कलर आइडेंटिफिकेशन आपका ऑसिपिटल लोब ही देखता है। तो ये 4 लोब्स होते हैं जिसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। इसके अलावा हमारे ब्रेन में एक लिम्बिक सिस्टम प्रेजेंट होता है। लिम्बिक सिस्टम भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, हिप्पोकैम्पस, हाइपोथैलेमस और एमिग्डाला। हिप्पोकैम्पस आपका मेमोरी, स्मेल और साउंड को कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस आपका स्लीप, बॉडी टेम्परेचर, इन सब को हैंडल करता है। फिर आता है एमिग्डाला, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि ये हमारा कैरेक्टर प्रोडक्शन, साथ ही में हमारी फीलिंग्स को कंट्रोल करना, फाइट एंड फ्राइट का जो एक्शन होता है, ये सभी चीज़ें एमिग्डाला कंट्रोल करता है। तो ये मैंने बात करी एक जनरल ब्रेन की, कि एक ब्रेन नॉर्मल इंसान का किस तरीके से फंक्शन करता है। पर आखिरकार जो क्रिमिनल्स हैं या जो रेपिस्ट हैं, वो किस तरीके से सोचते हैं, उनका ब्रेन किस तरीके से काम करता है, और आखिर मेन क्यों रेप करते हैं, हम ये समझते हैं। इसके पीछे काफी सारे फैक्टर्स होते हैं। रेप इज नॉट जस्ट सेक्सुअल डिजायर, इसके पीछे बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की। क्या
कि इनकी साइकोलॉजी किस तरीके से काम करती है, तो एक कंसेप्ट आता है मैडोना प्रोस्टिट्यूट कॉम्प्लेक्स। ये जो प्रॉब्लम होती है ये एक तरीके का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें जो मैन होता है वो वुमेन्स को दो तरीके से डिवाइड कर देता है। एक मैडोना यानी कि एक उनकी लव्ड वुमेन, चाहे वो उनकी वाइफ हो या गर्लफ्रेंड हो, जिसे वो रिस्पेक्टफुली ट्रीट करते हैं, बट उनसे जो है उनके सेक्शुअल डिजायर्स फुलफिल नहीं हो पाते हैं। तो जो एक दूसरा ग्रुप होता है जिसे प्रोस्टिट्यूट के नाम से वो लोग जो हैं डिवाइड कर देते हैं, जहाँ पर उनके सेक्सुअल डिजायर्स पूरे किए जाते हैं। तो ये उनके दो डिविजन्स हो जाते हैं, वुमेन्स के बीच में वो दो डिविजन्स रखते हैं। वन इज मैडोना एंड अनदर इज प्रोस्टिट्यूट, जिसमें एक ग्रुप तो रिस्पेक्टफुल है बट अनदर ग्रुप इज नॉट रिस्पेक्टफुल। तो वो अपने सेक्सुअल डिजायर्स पूरा करने के लिए उस दूसरे ग्रुप के पास में जाते हैं और कई बार जो है रेप जैसे क्राइम को भी अंजाम दे देते हैं। दूसरा साइकोलॉजिकल फैक्टर आता है कॉग्निटिव डिसऑर्डर। कॉग्निटिव डिसऑर्डर एक इस तरीके की बीमारी है जहां पर सोचने समझने की क्षमता जो है वो खत्म हो जाती है। क्या डिसीजन लेने चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, ये समझ में नहीं आता है और वे अपने तरीके से चीज़ों को प्रिडिक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक रेपिस्ट कभी ये नहीं बोलता कि उन्होंने रेप किया है। वो बोलता है रेप इज इक्वल्स टू, उनके लिए जो रेप है वो एक नॉर्मल सेक्सुअल एक्ट है, ना ही कि कोई एक क्राइम। क्या किया मैंने? मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, सेक्स से तो किया है, पर सेक्स कोई गुनाह नहीं होता। ये कॉग्निटिव डिसऑर्डर का ही पार्ट है क्योंकि उन्हें ये समझ में ही नहीं आता कि वो एक तरीके का क्राइम कर रहे हैं। दैट मीन्स लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तीसरा फैक्टर आता है फ्यूअर कनेक्शंस बिटवीन एमिगडाला। एमिगडाला पार्ट जो मैंने आपको बताया था कि जो हमारे फियर और फ्राइट को कंट्रोल करता है, तो बेसिकली इनके जो कनेक्शंस होते हैं एमिगडाला में वो कम होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें डर नहीं लगता। तो जब वो इस तरीके के कोई क्राइम कमिट कर रहे होते हैं तो उन्हें किसी भी चीज़ का डर नहीं होता है। इसके बाद में अगला फैक्टर आता है कि इनके पास में एम्पथी नहीं होती है, लैक ऑफ एम्पथी। अगर हमें कोई भी पर्सन दर्द या दुख में दिखता है तो हमें उसके लिए एक इमोशनल फीलिंग होती है, एक एम्पथी होती है, बट जो इस तरीके के क्रिमिनल्स होते हैं उन्हें किसी भी तरीके की एम्पथी नहीं होती है। नेक्स्ट, इम्बैलेंस इन बिटवीन टू हेमिस्फीयर्स ऑफ द ब्रेन, हाइपर फंक्शन ऑफ लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड हाइपो फंक्शन ऑफ राइट हेमिस्फीयर, जो कि एक बहुत बड़ा कारण होता है एक तरीके के क्रिमिनल्स का फॉर्मेशन होने में या फिर साइकोपैथ्स बनने में, कि जब उनके दोनों ब्रेन्स जो हैं, दोनों पार्ट ऑफ द ब्रेन्स एक बैलेंस में काम ना कर पाए। इसी के साथ में एक और साइकोलॉजिकल फैक्टर आता है, विच इज कैस्ट्रुएशन एनजाइटी। इसका मतलब होता है कि कोई भी मेल जो होता है वो अपनी उम्र के साथ साथ इस तरीके से फील करता है कि शायद तक जो उनके अंदर की मैनलीनेस है वो घट रही है। तो उसे प्रूफ करने के लिए, उसे दिखाने के लिए लोगों को वो इस तरीके का क्राइम कमिट करते हैं। तो ये थे साइकोलॉजिकल फैक्टर। अब सिर्फ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ही नहीं है, इसके अलावा भी मैंने आपको बताया कि काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इन क्राइम्स को अंजाम देते हैं। तो उसमें दूसरा आता है सोशल फैक्टर। जिसमें सबसे पहला आता है पैट्रियार्की ब्लेम्स विक्टिम। इसका मतलब ये है कि हमारा जो समाज है वो बेसिकली विक्टिम को ही ब्लेम करता है अगर कोई इस तरीके का क्राइम उसके साथ हुआ है। तो ये बोल दिया जाता है कि लड़की की ही गलती होगी, उसी ने जो है छोटे कपड़े पहने होंगे या फिर उसने सिग्नल दिए होंगे, या ऐसे स्टेटमेंट्स भी सुनने में आए हैं जहाँ पर बोला जाता है ताली एक हाथ से नहीं दोनों हाथ से बजती है, तो इसीलिए दोनों की गलती है। और ये भी सुना गया है कि ये बोला जाता है कि लड़के जो होते हैं वो तो रेप करेंगे ही, तो यहाँ पे लड़कियों को ध्यान रखना चाहिए कि वो जो हैं या तो छोटे कपड़े ना पहने या रात में बाहर ना जाए या इस तरह की कोई भी चीज़ ना करें कि लड़के उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। तो ये बेसिकली हमारी पैट्रियार्की जो है वो ब्लेम कर रही है विक्टिम्स को ही कि इनकी ही गलती है, रादर देन ब्लेमिंग द मेल कैंडिडेट और द बॉयज। सेकेंड फैक्टर की बात करेंगे जो कि है टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, यानी कि जो एक पर्टिकुलर जेंडर है वो अपने आप को मस्कुलाइन दिखाने के लिए, अपने आप को मजबूत ताकतवर दिखाने के लिए जो है
वुमेन्स को सप्रेस करते हैं और इसी में एक आ जाता है पीयर प्रेशर। जो हम गैंग रेप्स के बारे में सुनते हैं उसमें जनरली ये होता है कि ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग इस क्राइम में इन्वॉल्व हों, लेकिन अगर एक दो तीन लोग इस तरीके का क्राइम कर रहे हैं और चौथा साइड में खड़ा हुआ है तो वो अपनी मस्कुलैनिटी को दिखाने के लिए, अपनी अपने आप को प्रूफ करने के लिए वो भी इस क्राइम में इंडल्ज हो जाता है। तो ये एक तरीके की टॉक्सिक मस्कुलैनिटी होती है। नॉट ओनली दिस, इस तरीके की चीज़ें हमें मैरिटल रेप के केसेस में भी देखने को मिलती है। फिर एक आता है सोशल डिसएनफ्रेंचिसमेंट। ये इसमें बेसिकली क्या होता है कि ऐसे बॉयज या मेल्स या मेन जो होते हैं जिन्हें बचपन से ही अच्छा ट्रीट नहीं किया जाता है, उनके लुक्स को लेकर, उनके बिहेवियर को लेकर, उनके वे ऑफ टॉकिंग को लेकर, तो वो इस तरीके से ग्रो हो जाते हैं कि उन्हें आगे जाके फ्यूचर में अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए कि मैं भी हर चीज़ करने में सक्षम हूँ, तो कई बार वो इस तरीके के क्राइम कर देते हैं। और साथ में इसमें ये भी होता है कि वो बचपन से ही बुली होते आए हैं, या उनके कलर को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, तो उनका किसी भी अपने पार्टनर के साथ में इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता है, तो इमोशनल अटैचमेंट वो बना ही नहीं पाते हैं। ये एक तरीके का सोशल फैक्टर है जो उनकी साइकोलॉजी को, जो उनकी ब्रेन को अफेक्ट कर रहा है। इसके बाद में लास्ट आता है कास्ट डोमिनेंस। पहले काफ़ी टाइम पहले ऐसा देखा जाता था कि अपर कास्ट अपने आप को डोमिनेंट शो करने के लिए लोअर कास्ट की जो वुमेन्स होती थी उनके साथ में सेक्सुअल असॉल्ट करते थे, जिससे कि वो उनके हस्बैंड्स को या उनके फैमिली के मेल कैंडिडेट्स को ये दिखा सके कि हमारे पास में ज़्यादा पावर है एज कम्पेयर टू यू गाइज, तो ऐसा भी देखा जाता था। तो ये सोशल फैक्टर्स होते हैं। सोशल फैक्टर्स के बाद में हम बात करते हैं रिलीजियस फैक्टर्स के बारे में। रिलीजियस फैक्टर्स में आता है एक आइडिया ऑफ प्योरिटी। चाहे हम किसी भी रिलीजन की बात करें, हर रिलीजन में ये चीज़ बताई गई है कि वुमेन को प्योर होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वुमेन्स मस्ट बी प्योर एंड अनटच्ड। तो इसीलिए हमें बचपन से इस तरीके की शिक्षा दी जाती है कि आपको जो है एक वुमेन को अपनी प्योरिटी को बचा कर रखना है हमेशा। एक स्पेसिफिक तरीके का ड्रेस कोड बताया जाता है कि फीमेल्स को इस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए, घूंघट लेना चाहिए, हिजाब पहनना चाहिए, आपको कवर्ड रहना चाहिए, आपकी बॉडी नहीं दिखनी चाहिए। तो अगर कोई भी वुमेन जो इन नॉर्म्स के अगेंस्ट जाती है तो उसे गलत ट्रीट किया जाता है कि आप जो है ये आपको, आप अपनी संस्कृति के अनुसार नहीं चल रहे हो, और जो महिला जो लेडी इसके हिसाब से नहीं चलेगी उसके साथ में तो ऐसा होगा ही। तो ये रिलीजियस नॉर्म्स हैं जो कहीं ना कहीं काफ़ी गलत हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक मेंटेलिटी बचपन से ही बन जाती है, चाहे वो बॉयज़ हों चाहे गर्ल्स हों, कि उनकी मेंटेलिटी बचपन से ही बन जाती है। लड़कों के अंदर भी ये एक फीलिंग आ जाती है कि ये लड़की जो छोटे कपड़े पहन के निकल रही है या अपनी बॉडी को ज़्यादा शो कर रही है, यानी कि ये अच्छी नहीं है। तो अगर कोई फीमेल इन रिलीजियस नॉर्म्स को नहीं मानती है तो मेल्स जो होते हैं वो ये मानते हैं कि ऐसी वुमेन्स को पनिशमेंट देनी चाहिए। अगला आता है इकोनॉमिक फैक्टर। पहले के समय में ऐसा था कि जो पैसा कमाएगा उसके पास में पावर रहेगी। ये अभी भी कहीं ना कहीं है कि जिसके हाथ में पैसा है उसके हाथ में पावर है। तो पहले वुमेन्स जो थी वो घर में रहा करती थी, वो पैसे नहीं कमाती थी, घर का काम करती थी, और मेंस जो थे वो बाहर जाके मेहनत करते थे और पैसा कमा कर लाते थे। तो वो ये सोचते थे कि हमारे हाथ में पैसा है यानी पावर है, तो वुमेन हमारे हिसाब से ही काम करेंगी। बट आज के टाइम पे ये चीज़ें बहुत काफ़ी हद तक चेंज हो गई हैं। फिर आते हैं लीगल फैक्टर्स। लीगल फैक्टर्स का मतलब बेसिकली यहाँ पर ये है कि अभी भी हमें जो केसेस सामने सुनने में आ जाएं, जो कंप्लेंट आ जाएं, वो तो हमें पता चल जाती हैं, लेकिन ऐसे कितने सारे केसेस हैं जो रिपोर्ट ही नहीं हो रहे हैं। रीज़न रिपोर्ट ना होने का यही है कि हमें जो है जो शिक्षा मिलती है कि आपके साथ अगर कुछ गलत हो जाता है तो आपको चुप रहना है, क्योंकि अगर आप बता दोगे, अगर आप बोल दोगे तो आपकी प्योरिटी पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा और आप जो है प्योर नहीं रहेंगे और आपकी शादी नहीं होगी या आपका जो फ्यूचर है वो ख़राब हो जाएगा। इस डर के कारण ऐसे काफ़ी केसेस हैं जो रिपोर्ट ही नहीं किए जाते हैं। तो इतने कॉन्वर्सेशन से हमें ये समझ में आया है कि साइकोलॉजिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, रिलीजियस फैक्टर, लीगल फैक्टर्स, इतने सारे फैक्टर्स होते हैं जो एक रेपिस्ट को जन्म देते हैं। सिर्फ एक कंडीशन नहीं होती है रेप करने के, उनके पास में कई कारण होते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था, रेप इज़ नॉट जस्ट सेक्सुअल डिज़ायर, कभी कभी अपने आप को डोमिनेंट शो करने के लिए और काफ़ी सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं जिसकी वजह से इस तरीके का क्राइम किया जाता है। तो आखिर क्या किया जाए?
आखिर हम क्या कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे ये लगता है कि हर वुमेन को सेल्फ डिफेंस आना चाहिए। अगर हम अपने पूर्वजों को देखें, पुराने वक्त में जाएं, तो उस टाइम पर रानियां हुआ करती थी जिन्हें शस्त्र विद्या दी जाती थी। तो कहीं ना कहीं अभी भी ये बहुत ज़रूरी है कि शस्त्र विद्या अभी भी आनी चाहिए। हर वुमेन को अपनी बॉडी की, अपने आप की रक्षा करना आना चाहिए। सो सेल्फ डिफेंस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सेकेंड, बिकमिंग इंडिपेंडेंट। आपको इंडिपेंडेंट बनना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंडिपेंडेंट हो, आप अपने तरीके से अपनी लाइफ जी सकते हो, आप पैसा कमा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप सेफ हो और आप अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग जी सकते हो। आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। इस चीज़ से क्या होगा कि जो मैरिटल रेप होते हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगे। तीसरी एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जेंडर न्यूट्रल एजुकेशन। मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, दोनों को एक सी एजुकेशन मिलनी चाहिए। बचपन से ही शिक्षा देनी चाहिए कि किस तरीके से एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये सभी चेंजेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो हमारे सोसाइटी की अभी भी प्रेजेंट रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।